हेलो फ्रेंड्स, जय श्री राम। कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का रविपाल ब्लॉग्स में। तो चलिए करते हैं अपने दिन की शुरुआत एक नए ब्लॉग के साथ। और अभी 6 बज चुके हैं, 6 बजने भी 5 मिनट बाकी। अभी हम नहा लिए हैं, आज है सोमवार, तो हमें जाना है मंदिर में, शिव मंदिर में पूजा करने के लिए। और जी अभी यहाँ पे अर्णिका सो के उठ चुकी है, ये देखिए यहाँ पे लेट रही है। और मम्मी को हाथ नहीं लगा दे रही बिल्कुल भी, क्योंकि मम्मी इसके पास बैठी और कह रही ना ना ऐसे ऐसे करती। बस लड्डू देखियो, अर्णिका राम राम करो। चलो करिए राम राम। फिर बेटा करता राम राम। अच्छा बाबू है ना, देखो पेंसिल चलानी इसकी अपने कपड़ों पे, कितना खराब कर रखा है इसने, से अपना बनियान गंदा कर रखा ना। और जिसने गंदा कर रखा बनियान पे, तो अर्णिका के पापा भी अभी ना के आ चुके हैं, तो हमें जाना है मंदिर में। तो चलिए जी, सामान तैयार है अभी सारा, तो चलते आज कर रहे हैं काम घर पहुँचे का। और अभी 8 बज चुके हैं, तो अर्णिका के पापा अभी जा चुके हैं, अर्णिका उधर खेल रही है। देखिए आज मैंने बेडशीट चेंज कर दी है ये वाली। और जी अभी मम्मी बना रही है पूड़े और खीर बन चुकी है, कपड़े वगैरह भी हमारे धुल चुके हैं, जो थोड़ा सा काम है। आज हमारे यहाँ पे ना माता की पूजा होगी, माता दुखेगी, जो एक तो गांव वाली थी, अब दूसरे गांव में जाएंगे, पुर जाएंगे वहाँ पे पूजा करने के लिए। तो हम आपको बैक कैमरे से दिखाते हैं कि क्या क्या बन चुका है और क्या क्या बनना रह गया है अभी। तो देखिए गाइस, अभी यहाँ पे मम्मी जो है पूड़े सेक रही है और जी यानी गुलगुले बना रही है। तो अभी यहाँ पे खीर बन चुकी है, ये देखिए। और जी पूड़े कुछ सीख चुके हैं, क्योंकि वहाँ पे काफ़ी सारे पूड़े चाहिए, तो छोटे छोटे से ही बना दी मम्मी, ज़्यादा मोटे मोटे भी अजीब से लगे, हमें सीखते नहीं, तो बारीक बारीक से कुरकुरे से हो जाते हैं। क्या क्या बनाएंगे मम्मी? पूड़े बनाएंगे, दो रोटी जाएंगे, दो पूरी और जी बस यही जाएंगे। दाल पैसे वैसे ले जाएंगे, दाल हल्दी पैसे चढ़ा बस। तो चलिए जी अभी हम भी अपना काम कर लेते हैं, झाड़ू वाड़ू लगा लेते हैं, तब तक मम्मी ये सीख दी तो हम झाड़ू पोछे का काम करते हैं। अर्णिका उधर ये देखो अकेली बैठ के खेल रही, और इसलिए देख रही थी राम कथा, यहाँ पे भागवत कथा अनिरुद्धाचार्य गुरु जी की, तो ये चला के दे रखी मैंने से। और अभी ये देखो मस्ती में चूर है, मैंने इसे खाट पे बिठाया था तो, लेकिन ये बोलने लगी ई ई या इस पर बैठूँगी। मैंने मैट भी डाल दिया इसका, लेकिन मैट हटवा दिया इसने, कह रही चादर पर बैठूँगी। देखो क्या कह रही है, कह रही बैठ जा। और पढ़ाई लिखाई देखो कितनी करने लगी, सारे कपड़ों में पेंसिल चला रखी है, अपने पापा का नाम लिखा है, इसके पापा का बब्बू मेरा नाम लिखिए। चलो है? चलो मैं झाड़ू लगा लूँ। मैं राम राम करो, राम राम करो। अभी हो गई है चलने की तैयारी, हमारा सामान हो गया है सारा जो है था तैयार, पूड़े हो गए इसमें और जी खीर होगी और जी वो हो गया पूरी वगैरह जो होती है यहाँ पे। ये खीर इस डब्बे में कर लिया है क्योंकि पतली सी है ना, कभी खिंच जाए, और कूड़े वगैरह थैले में ले लिए इसमें करके, क्योंकि टोकरी वगैरह में इतने आते नहीं ना, काफ़ी सारे हैं ना टोकरियाँ छोटी छोटी ले जाने की पूजा वाली, तो उनमें आसानी भी रहने की थोड़ी दिक्कत होगी, क्योंकि बाइक पर वैसे जाएंगे और दूर वैसे है, बारिश की वजह से थोड़ी सी दसन भी होगी। तो चलिए अभी वेट करते हैं, भैया के साथ जाएंगे, चाचा जी के लड़के हैं, क्योंकि अन्य पापा तो चले गए। तो देखिए गाइस अभी हम आ चुके थे मेले से, यानी कि पूजा करके आ चुके थे। वैसे तो हमने सारा काम कर लिया है, तो मम्मी ने कुछ काम किया है, कुछ मैंने किया है, तो आने के बाद मैंने पोछा वगैरह लगा दिया, झाड़ू तो लगा के चली गई थी, और मम्मी ने तब तक किचन का काम मतलब ख़त्म कर लिया था। तो पूजा करने के बाद तो हम गए थे ना मेले में, वहाँ पे काफ़ी बड़ा मेला लगता है, वैसे वीडियो नहीं बनाई क्योंकि मैं अर्णिका के पापा के साथ जाती तो फिर तो हम काफ़ी देर हो गए थे। मैं गई दुष्यंत भैया के साथ, चाचा जी का लड़का है उनके साथ गए थे, तो मैं चढ़ाने के लिए गए थे प्रसाद, तो मैं भी चली गई उनके साथ, थोड़ी सी दूरी है ऐसा होगा बस 1 किलोमीटर से दूर। तो अर्णिका के लिए लेकर आए हम ये डॉल, और ये ना बहुत अच्छी लग रही है, देखो इसकी ये ड्रेस है ना बेबी पिंक कलर की है, तो इसे बहुत अच्छा डेकोरेट किया हुआ है। और जी वैसे तो इसमें ब्लैक कलर की भी थी डॉल, लेकिन ये ना ये ज़्यादा अच्छी लग रही थी पिंक कलर वाली, ब्लैक कलर की ड्रेस वाली बहुत अच्छी लगी थी, मैंने सोचा कि चलो पिंक वाली ले लो, तो इसमें बहुत अच्छी सजाई हुई है। और जब कहीं जाते हैं ना देखो बच्चे के लिए कुछ ना कुछ तो लेके आना चाहिए, वैसे तो उसके पास काफ़ी सारे टॉयज है, लेकिन फिर भी एक मन होता है माँ बाप का सभी का कि बच्चे के लिए कुछ ना कुछ लेकर चले, तो
अभी मैं ये लेकर आई हूँ, बहुत अच्छी लग रही है ये देखो, कितनी गजब की लग रही है। और ऐसा लग रहा है इसे प्यार करते रहो बस। और निकलने से जब सिर्फ पन्नी पे से निकलवा ली थी, अभी वो गई हुई है मम्मी के साथ ताऊजर के उधर। ताऊजर के उधर ना दीदी आ रही भात नोतने के लिए, जो तीसरे चौथे नंबर वाली दीदी है, पांच लड़के हैं ना ताऊ जी के, तो जो चौथे नंबर वाली है वे भात नोतने के लिए आ रही। मैं इसलिए क्योंकि उनका लड़का ना, एक लड़का है उनके, वे जाएंगे बागड़, तो बागड़ की जैत लेके जाते हैं ना, जैसे कि चाप वाप चढ़ती है अब सावन में चढ़ेगी, तो उससे पहले भात नोतने के लिए आते हैं, तो बात दिया जाएगा वहाँ पे जब कंदूरी होती है, यानी कि वहाँ से आ जाते हैं प्रसाद चढ़ाने के बाद। तो हम भी जाएंगे, दिखाएंगे आपको जब जाएंगे। तो अभी मम्मी चली गई है उधर, पहले ही मुझे बोल के गई थी कि तुम बाद में आ जाना, अभी मुझे नहाना है दोबारा से, कपड़े वपड़े चेंज करके जाना है। वैसे तो गर्मी हो रही, साड़ी पहन लेते, लेकिन सूट वूट पहन के जाएगी क्योंकि थोड़ा बहुत काम भी करवा देंगे उधर जाके, खाना वाना खिलवाने की थोड़ा सा। अभी अपना यहाँ का काम किया है मैंने, वीडियो एडिट करके अपलोड कर दी है। तो चलिए गाइस, अभी बने रहिए हमारी वीडियो में एंड तक। हे गाइस, अभी हम ताऊजर के इधर आ गए थे, काफ़ी देर हो गए, और अभी हम यहाँ पे छत पे बैठे हुए हैं। तो मम्मी यहाँ पे अभी पूरे सेक रही है, सगुन ईशा यहाँ पे पेड़ी बना रही, और मैं यहाँ पे पूरी बना बना के दे रही मम्मी को, जिससे कि मम्मी उन पर सेक रही है, और जी चूल्हे पे बना रहे, क्योंकि गैस पे तो काफ़ी टाइम लग जाएगा, और जी कम भी आँच लगती है, इस पर जल्दी जल्दी सीख जाएंगे। बत्ती आ रहे कम से कम, मैं समझ 14-15 जने, बच्चे आ रहे, कुछ लेडीज आ रही, जेंट्स आ रहे, तो 14-15 जने हो रहे हैं अभी। तो चलिए जी, अभी पहले खाने की तैयारी करते हैं। खाने में बन चुके हैं छोले चावल हैं और सब्जी है कौन, तो पहले पूरा सेक के देंगे, और फिर पहले जेंट्स को खिलाएंगे, फिर लेडीजों को खिलाएंगे, क्योंकि अभी नीचे गीत गा रही, तो उनसे भी मिलवाएंगे आपको कौन कौन आ रहा। देखिएगा इस यहाँ पे अभी टीका किया जा रहा है, जो भात नोतने आते हैं ना, तो भाई के और भाभी के टीका करते हैं, तो यहाँ पे दीदी अभी टीका कर रही है। खट्टे में छक रहे हलवा खा के, बस या फिर चावल भी रख दो। आहा, टिक्का हो रहा भाई, लड्डू के भी है इधर देखियो कैमरे में, लड्डू देख इधर देख अन्निका, आहा बस इस चम्मच से खावा गी चाट वाली दया। I do।
देखिए गाइस अभी शाम का टाइम हो चुका है, 7:30 बज चुके हैं और हम आए थे ताऊजर के उधर से 6 बजे। मेहमान भी आए थे इधर, हम वीडियो नहीं बना पाए क्योंकि जल्दी जल्दी मैंने नाश्ता कराया ना, फिर उन्हें जाना भी था आज ही दिन के दिन ही। तो अभी गए हैं, 6:30 बजे गए थे। अनिका क्या कर रहे बेटा? अभी हमें करनी है पूजा, तो थोड़ा सा लेट हो गया पूजा में, तो चलो जी कोई बात नहीं, मेहमान आ रहे थे, बढ़िया है। और सभी मेहमानों से ना इतने घुल मिल गए एक ही दिन में बहुत ज़्यादा, सभी को बुआ बुआ कह रही थी, जो कि बुआ जी लगती थी ना सभी में, दीदी की देवरानी जेठानी थी। तो चलिए गाइस अभी अपनी वीडियो का कर देते हैं यहीं पर एंड, वीडियो अच्छी लगे तो कमेंट करके जरूर बताना, फिर नया तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना और एक लाइक भी जरूर कर देना। तो मिलते हैं आपको अपने कच्चे नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय फ्रेंड्स, टेक केयर।